अब देखो गौरव, ये देखो अब एक चीज अपन को फाइनली बात करना चाहिए। बच्चे तुम जो है ना हमारे प्रोबेशनर टाइप के रहे हो, हमारे ट्रेनी रहे हो, राइट? तुम्हारे पास में जो है ना हजारों लोगों की सूची है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बराबर सर, जब हम इस देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में वो भी बिना तकार हकार के ले जाने की औकात, हिम्मत और सोच और पाथवे जानते हैं, तो सरकार को किनारे छोड़ो ना यार। सरकार को किनारे हाँ छोड़ो, करेक्ट हाँ हम अपने दम पे करके दिखाएं ना, और इनका तंत्र गड़बड़ करेगा तो क्राइम फ्री भारत इनको रगड़ के मारेगा। राइट ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं, ये तो आप अच्छा करेंगे तो आपका बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन करेंगे इनको डर हंड्रेड होना परसेंट चाहिए कि इनको ऐसा घेरेंगे कि साले भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो जब क्राइम फ्री भारत का कोई चीज पहुंचेगी तो इनको करंट लगेगा, ये अपने जो है ना कुर्सी से उचक जाएंगे और लग जाएंगे उसे पूरा करने का। मुख्यमंत्री की जो है ना, चाहे वो आदेश को ना पालन करें, क्राइम फ्री भारत का जो मेमो पहुंचेगा ना वो एकदम उनको करंट लगाएगा। हमें ऐसे सर हालात में निर्भर एसडीएम, करना पड़ेगा। सर एसडीएम ने मुझसे कहा कि चांडक जी दिवाली के पहले जो एजिटेशन करा था उससे मेरी दिवाली बढ़िया मनी। और मैंने कैसे? ऐसा नहीं कि नाराज हो रहे थे, वो बधाई दे रहे थे कि आपके वजह से मेरी दिवाली बढ़िया बन गई, देखो एक चीज मतलब आपने पैकेज। कही है ना, इसी का एक पैरेलल मैं सुनाता हूँ। बिहार के कलेक्टर का है हाँ कि वो, उसने कहा कि पापा पापा पिछली बार जब जो है ना बाढ़ आई थी तो हमको आपने कार गिफ्ट दी थी, इस बार हाँ भी तो बाढ़ आई है, इस जन्मदिन पे आप हाँ मुझे क्या देंगे? ये स्थिति है। और आपने सर बिल्कुल जिला ठीक शिक्षा कहा, अधिकारी सर, कंपनसेशन भाई आप एक, हाँ बोलो। जिला शिक्षा अधिकारी लेवल के व्यक्ति ने कहा कि चांडक जी धरने पर बैठ जाओ, और मेरे को मेरे साथी लोगों ने कहा कि पहले जिसकी दिवाली बढ़िया मन गई उसको बस पैकेट मिल गया आपने, विपक्षी पक्ष से जिनके खिलाफ अपन आंदोलन कर रहे हैं, बोले ये भी चाहता है कि तुम धरने पे बैठ जाओ और धरने पे उसके बाद आपको जो है। इसलिए बिठाना चाहता है कि जिससे हाँ आपको जो है ना विरुद्ध कुछ मुकदमे मुकदमे कायम कर ले, यदि आप हाँ ज्यादा उग्र हो तो आपके ऊपर डंडे भी चला ले और आपके कुछ लीवर अपनी जेब में रख ले जिससे कि आप भविष्य में ठीक ढंग से पेश आए। बराबर उसकी सोच बड़ी क्लियर है, वो दूर की सोचता है भाई राइट है? और हम इन सोच को और उसकी भविष्य की चालों को, उसकी जान कहाँ है, ये सब जानते हैं। और अब क्राइम फ्री भारत जो है ना इन सब चीजों के पीछे पड़ गया है। और अब तो क्राइम फ्री भारत क्या एग्रो मॉड्यूल, आयुष मॉड्यूल, मीडिया मॉड्यूल, इंफोटेनमेंट मॉड्यूल, ई कॉमर्स मॉड्यूल, हम जो है ना कस्टमर से लेके हर किसी को जो है ना जोड़ के इस तंत्र की जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं वो सब खत्म कर देंगे और हर किसी को माला माल कर देंगे। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाएंगे। आपके देश के प्रधानमंत्री बहुत जोर लगा के कह रहे हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और वो 5 साल में कह रहे हैं, मैथ्यून कह रहे हैं कि हम ये 3 साल में करके दिखाएंगे। 5 साल में हमारी इकोनॉमी 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी और 10 या 12 साल में ये 100 गुना पे मल्टीप्लाई करेगी। आज जो है अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो 90 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इसका मतलब है कि 12 साल में हम जो है अमेरिकन ट्रिलियन की इकोनॉमी को पास करेंगे। आप कहेंगे इतना पैसा कहां से आएगा? तो इसका बड़ा छोटा सा मंत्र है कि आप जो है जो भी करते थे उस सब में आपको सोना मिलता था, राइट? जैसे आप मसाला बेचते थे तो सोने के भाव बेचते थे, आप मलमल बेचते तो वो सोना के भाव बेचते थे, आप रॉट आयरन बेचते थे वो भी सोने के भाव से बेचते थे, राइट? सही बात है अब सर, आप अमृत पैदा करो और फिर आप सोने के भाव से बेचो, और अब आपके, अब आपको